चलिए आज हम 20th सेंचुरी की मास्टरपीस गुडविल हंटिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है। इस मूवी में आप सीखेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये मूवी आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देगी साइकोलॉजी के बारे में जो आपने शायद कभी गौर से सोचा नहीं होगा। ये मूवी यूएस के बहुत ही मशहूर कॉलेज MIT से शुरू होती है, जहाँ प्रोफेसर लैम्बो अपने ग्रेजुएट क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं। क्लास खत्म होते ही वो उन्हें एक बहुत ही मुश्किल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम देते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज होता है। इस कॉलेज में एक जेनिटर होता है जिसका नाम विल हंटिंग होता है। विल हंटिंग बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और जैसे ही वो क्लास के बाहर लगे हुए बोर्ड पे वो मुश्किल क्वेश्चन देखता है, वो तुरंत ही उसे सॉल्व कर देता है। जब प्रोफेसर लैम्बो देखते हैं कि उस क्वेश्चन का किसी ने सलूशन निकाला है, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो अपने क्लास में सबसे पूछते हैं कि वो सलूशन किसने लिखा, पर उनमें से किसी ने नहीं लिखा होता है। प्रोफेसर लैम्बो इस इंसान को ढूंढने के लिए एक और मैथ्स प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखते हैं, ताकि वो इंसान इसे चुनौती की तरह ले। प्रोफेसर बताते हैं कि इस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 साल लगे थे। प्रोफेसर और उनके कलीग कॉरिडोर में देखते हैं कि विल बोर्ड पे लिख रहा होता है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए है, जिस पे विल उन्हें सॉरी बोलता है क्योंकि वो जेनिटर होता है और वहाँ से चला जाता है। पर तभी प्रोफेसर के कलीग की नज़र बोर्ड पर जाती है। वो देखते हैं कि विल ने सही सलूशन बोर्ड पर लिखा होता है और वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक जेनिटर मैथ्स की इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा था। अब विल और उनके दोस्त एक बार में होते हैं, जहां विल का दोस्त 2 लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि वो उनकी हिस्ट्री क्लास में है। उसी दौरान एक और लड़का आकर विल के दोस्त से हिस्ट्री का सवाल करने लगता है, पर विल के दोस्त को कुछ नहीं पता होता। विल अपने दोस्त को बचाने के लिए आ जाता है और सभी सवालों के जवाब देता है और साथ ही साथ बहुत हिस्टोरिकल बातें करता है जो उन लोगों ने कभी सुनी नहीं थी। विल उन्हें बताता है कि नॉलेज फ्री में भी गेन की जा सकती है और उसके लिए किसी महंगे कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। वो 2 लड़कियां विल से इम्प्रेस हो जाती हैं और उनमें से एक का नाम होता है स्काइलर। वो उसे अपना नंबर देती है। स्काइलर एक ब्रिटिश सिटीजन है और हार्वर्ड से ग्रेजुएट पूरा करने के बाद मेडिकल पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड जा रही थी। अगले दिन विल और उसके दोस्त चकी, बिली और मॉर्गन एक बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं, जहां विल और उनके दोस्तों की लड़ाई एक लड़के से हो जाती है जो विल को बुली करता था। इसी दौरान पुलिस पहुंच जाती है और विल की लड़ाई एक पुलिस ऑफिसर से भी होती है, जिसपे उसे अरेस्ट किया जाता है। अब विल की कोर्ट में हियरिंग होती है, जो प्रोफेसर लैम्बियो अटेंड करते हैं क्योंकि वो विल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो वहाँ बैठे नोटिस करते हैं कि विल खुद को कैसे कोर्ट में डिफेंड करता है। बाद में वो विल से प्रिजन के रूम में बात करने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उसे जेल से निकलवा लेंगे अगर विल उनके अंडर मैथमेटिक्स पढ़ने और थेरेपी लेगा। विल हाँ बोल देता है, पर थेरेपिस्ट्स के साथ विल की बिल्कुल भी नहीं बन रही होती है। वो अपने सभी थेरेपिस्ट्स का मजाक उड़ाता है। फाइनली प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ करना होगा और वो अपने कॉलेज रूममेट डॉक्टर शॉन मग्योरे को कॉल करते हैं, जो कि साइकोलॉजी प्रोफेसर होते हैं। डॉक्टर शॉन नोटिस करता है कि विल ने एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया होता है, जिसका मतलब ये है कि जब भी विल से कोई पर्सनल बात करता है वो उसे अवॉइड कर देता है और कभी कभी उसे खुद पता नहीं होता कि वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में कैसे अवॉइड करता है। डॉक्टर शॉन और विल के सबसे पहले सेशन में विल डॉक्टर शॉन की तरफ 1 सेकंड से ज्यादा देखता भी नहीं और बिल्कुल डिसइंटरेस्ट होना प्रिटेंड करता है। वो रूम में बुक्स की तरफ देखता है और डॉक्टर शॉन को ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो रूम में है ही नहीं। इससे पहले वाले थेरेपिस्ट का विल ने मजाक उड़ाया था, जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था। विल के अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म थे, जैसे वो खुद की इंटेलिजेंस शो ऑफ कर रहा था या अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा रहा था, जिससे डॉक्टर शॉन डर जाए। पर डॉक्टर शॉन पर इस सब का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तो विल दूसरा तरीका अपनाता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो शॉन को कुछ पर्सनल लेवल पर अटैक करे, ताकि वो बुरा मान जाए और विल को थेरेपी ना दे। विल उनकी बीवी के बारे में कुछ बोलता है और डॉक्टर शॉन गुस्से में उसका गला पकड़ लेते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए विल शॉन को बताता है कि टाइम खत्म हो चुका है सेशन का। ये एक और डिफेंस मैकेनिज्म था।
डॉक्टर शॉन को समझ आ चुका था कि विल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। विल और डॉक्टर शॉन के काफी सेशंस होते हैं, पर वो सब नाकाम हो रहे थे। फाइनली एक दिन विल डॉक्टर शॉन से खुल के बात करना शुरू कर देता है। विल को पता चलता है कि डॉक्टर शॉन की वाइफ की डेथ कैंसर से हो गई थी। डॉक्टर शॉन उसे बताते हैं कि वो लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हैं और उन्हें कोई भी पछतावा नहीं था अपनी शादी को लेकर। ये सुन के विल स्काइलर के पास जाता है, जो उसे बार में मिली थी। विल स्काइलर के साथ रिलेशनशिप शुरू करने का फैसला करता है, पर वो स्काइलर से अपने पास्ट के बारे में झूठ बोलता है और उसे अपना नेबरहुड भी नहीं दिखाता। यहाँ प्रोफेसर लैम्बे विल के साथ जॉब इंटरव्यू सेट करते हैं। उनमें से एक इंटरव्यू NSA में होता है, जहाँ विल अपने दोस्त चकी को नेगोशिएट करने के लिए भेज देता है। विल वो जॉब नहीं लेता है और एक्सप्लेन करने लग जाता है कि सब कुछ गलत हो सकता है अगर वो ये जॉब ले ले। वो सारे नेगेटिव सिनेरियोस बताने लगता है। अगर इसे हम सरल भाषा में समझें, तो वो अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए नेगेटिव सिनेरियोस सामने लाता है, ताकि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना पड़े। एक नई जॉब को लेना उनके लिए कंफर्ट जोन से बाहर जाना था, जिससे उन्हें बहुत डर लगता था। तो अपने इमोशंस को अवॉइड करने के लिए वो नेगेटिव सिनेरियो से अपने डिसीजंस को सपोर्ट करते थे। ये सुनकर डॉक्टर शॉन विल को बोलते हैं कि वो अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करे। वो उन्हें बताते हैं कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इसलिए अपने डिसीजंस के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स ले आते हैं। डॉक्टर शॉन विल को वो सच देखने पर मजबूर करते हैं, जिसे वो खुद से छुपा रहा होता है। इसके बाद विल की गर्लफ्रेंड स्काइलर उसे अपने साथ कैलिफोर्निया जाने को बोलती है। इस बार फिर से विल परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था। वो स्काइलर के साथ कैलिफोर्निया जाने से मना करता है और फिर अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए नेगेटिव सिनेरियो बोलना शुरू करता है। जैसे कि वो स्काइलर को बताता है कि अगर वो कैलिफोर्निया चला गया, तो क्या पता स्काइलर को उनके पास्ट के बारे में कुछ पता चल जाए जो उन्हें पसंद ना आए, और फिर स्काइलर रिग्रेट करेगी विल को कैलिफोर्निया बुलाने के लिए। एक बार फिर से विल ने अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो लाना शुरू कर दिया था। फिर विल स्काइलर से कहता है कि वो कैलिफोर्निया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी यहाँ जॉब है और वो यहाँ रहते हैं। विल स्काइलर को बताते हैं कि वो अनाथ है और उनके पेरेंट्स, जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था, वो उन्हें मारते हैं। इस बात पर स्काइलर विल का असली इशू से बोल देती है। वो उसे बताती है कि वो डरता है कि स्काइलर उसे शायद प्यार न करे। स्काइलर यहाँ पर विल को सच्चाई दिखाती है, जिससे विल छुपने की कोशिश कर रहा था, पर विल अभी भी चेंज होने के लिए तैयार नहीं था। विल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था, मतलब वो किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो स्काइलर को बोल देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। ये बोलकर विल एक बार फिर से अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। डॉक्टर शॉन विल को बताते हैं कि विल अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स का फेलियर पहले से ही सोचने लगता है, और इमोशनल पेन से बचने के लिए खुद ही अपनी रिलेशनशिप खराब कर देता है। बाद में जब विल अपने दोस्त चकी से बात करता है, उसे लगता है कि वो उसे सपोर्ट करेगा, पर चकी भी उसे बताता है कि वो अपने आप को डिनायल में रख रहा होता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरता है। ये सुन के विल का पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है, क्योंकि उसका दोस्त उससे ये बोलता है। विल को समझ आता है कि वो खुद को ही आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगले सेशन में डॉक्टर शॉन और विल बात कर रहे होते हैं, और विल उन्हें अपने चाइल्डहुड अब्यूज के बारे में बता रहा था। विल को पता चलता है कि डॉक्टर शॉन खुद भी चाइल्ड अब्यूज के शिकार होते हैं। डॉक्टर शॉन को विल की सारी स्ट्रैटेजी समझ आ गई थी। वो विल को बताते हैं, इट इज नॉट योर फॉल्ट, जिसका मतलब ये था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिस पर विल कहता है कि उसे पता है, ताकि डॉक्टर शॉन ये टॉपिक खत्म कर दे। पर डॉक्टर शॉन समझ जाते हैं कि विल ने अपने इर्द गिर्द इमोशनल दीवारें बनाई होती हैं, जो डॉक्टर शॉन तोड़ने का फैसला करते हैं। वो जोर जोर से बार बार बोलने लगते हैं, इट इज नॉट योर फॉल्ट, ताकि वो विल को इस बार सिचुएशन से भागने का मौका ना दे, बल्कि उसे फेस करने का मौका दे। ये सेंटेंस बार बार विल सुन के गुस्सा होता है और फाइनली रोना शुरू करता है, और उनकी इमोशनल वॉल्स डॉक्टर शॉन तोड़ देते हैं। वो डॉक्टर शॉन को रोते रोते गले लगाता है और फाइनली अपनी दिल की बात बोलना शुरू करता है। इस सेशन के बाद विल प्रोफेसर लैम्बो का एक जॉब ऑफर ले लेता है। उसके 21वें बर्थडे पर उसके दोस्त उसे शेवरलेट की गाड़ी गिफ्ट करते हैं।
और वो डिसाइड करता है कि वो स्काइलर के पास कैलिफोर्निया जाएगा। इसका मतलब था वो फाइनली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया था। चकी बाद में विल को उसके घर से पिकअप करने के लिए जाता है, पर विल ऑलरेडी निकल चुका होता है कैलिफोर्निया के लिए, जो देख के चकी बहुत खुश होता है। विल जाने से पहले शॉन के मेल बॉक्स में एक लेटर डालता है जिसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर लैम्बो को शॉन बता दे कि विल ने जॉब ऑफर नहीं ली और वो कैलिफोर्निया जा रहा है स्काइलर से मिलने। उसने एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंटेंस पे लिखा होता है, टू सी अबाउट अ गर्ल, जो कि डॉक्टर शॉन ने उसे एक सेशन में बोला था जब वो उसे अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में हर पॉइंट पर कोई ना कोई मोरल है और व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस मूवी में दिखाया जाता है चाइल्ड अब्यूज से एक बच्चे पर कैसा असर पड़ता है। वो अडल्ट होकर रिलेशनशिप से भागता है क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता। चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स को लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए वो रिलेशनशिप से भागते हैं। पर इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि साइकोथेरेपी की मदद से अगर किसी ने चाइल्ड अब्यूज से सफर किया है तो वो उससे बाहर निकल सकता है और अपनी लाइफ में जो चाहे उसे पा सकता है। बचपन की इमोशनल बाउंड्रीज ब्रेक करने में थेरेपी हेल्प करती है और एक इंसान को एक नया पर्सपेक्टिव देती है जो वो खुद से नहीं पा पाता। ये मूवी 1997 में आई थी और इस मूवी ने थेरेपी और मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा भी हटा दिया था ये मैसेज देके कि थेरेपी लेने में कोई शेम नहीं है। इस मूवी का एक हिस्सा प्यार पर भी फोकस था। ह्यूमन बीइंग्स प्यार के बगैर नहीं रह सकते, वो प्यार पेरेंट्स की तरफ से हो, फ्रेंड्स की तरफ से हो या आपके पार्टनर्स की तरफ से। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लव है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। विल बचपन से अभी तक पेरेंट्स के प्यार के बगैर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ा होता है और वो खुद को लोनली समझता है। पर फिर वो स्काइलर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाने में कायम होता है क्योंकि वो रिश्ता प्यार पर बना था। इस मूवी में एजुकेशन की भी बहुत इम्पोर्टेंस दिखाई है और व्यूअर्स उससे ये सीखते हैं कि एजुकेशन पाने के लिए किसी महंगे कॉलेज में जाना जरूरी नहीं है। नॉलेज पाने के लिए आपके अंदर नॉलेज पाने की इच्छा होनी चाहिए, जो विल में थी। आई होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।